खबर 9 एंकर 1। मंगलीपुरवा फाटक स्थित श्री राम जानकी हनुमत धाम में रामलला के प्राण प्रतिष्ठित होने के खुशी के अलौकिक ऐतिहासिक व दिव्य पलों को निहार कर हरदोई वासी आनंद की अनुभूति में झूम उठे। श्री राम कथा के दूसरे दिन अयोध्या धाम से पधारे कथा व्यास श्री सुखनंदन शरण महाराज, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आमजन परिकर सेवक दास भक्त तो खुश ही हुए। श्री डाल सिंह मेमोरियल स्कूल का पावन विद्या मंदिर परिसर भी अलौकिक ऐतिहासिक क्षणों के लिए अपने भाग्य पर इतरा उठा। कथा व्यास ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन चरित्र को श्रवण कराते हुए पूरे परिसर को राममय कर दिया। 5 घंटे की श्री राम कथा में बड़े बूढ़े बच्चे सब झूमते रहे और गाते रहे, आई गई रघुनंदन सजा सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो सजवा दो वंदनवार। इस मौके पर विद्यालय के नन्हे मुन्हे बच्चों के द्वारा राम दरबार के रूप में बनी आकर्षक झांकियों ने भी सभी का मन मोह लिया। श्री राम कथा के पूर्व श्री राम जानकी हनुमत धाम में विराजमान श्री राघव सरकार के दिव्य दरबार को खूब सजाया गया। पूजन अर्चन वंदन तथा स्वागत किया गया। श्री राम कथा पहुँच कर RSS के जिला कार्यवाहक संजीव खरे, विश्व हिंदू परिषद से हर्षवर्धन सिंह, भाजपा नेता सुनील शुक्ला, सेवानिवृत्ति वरिष्ठ ISS चंद्र प्रकाश, अधिवक्ता देश दीपक मिश्र, अलंकार सिंह, राम ज्ञान गुप्ता, राहुल गुप्ता आदि ने व्यासपीठ से आशीर्वाद लिया। आरती में प्रमुख रूप से कथा के सह यजमान अखिलेश सिंह, उनकी धर्मपत्नी पूर्णिमा सिंह, भाजपा जिला उपाध्यक्ष संजय सिंह गुड्डू आशा, पत्रकार रजनीश सिंह, कर्ण सिंह राणा, संजय अवस्थी अध्यक्ष जिला पंचायत उद्योग, शिशुपाल सिंह, मुकुल सिंह आशा, ब्रजेश अवस्थी, अंतर्यामी वाजपेयी, विपिन त्रिपाठी, भूमिका सिंह, आदित्य चौहान व विद्यालय परिवार के सभी शिक्षक शिक्षिकाएँ आदि मौजूद रहे। श्री राम कथा के विश्राम होने के बाद 1100 दीपों से दीपोत्सव मनाया गया। इसके अलावा पूरी जनपद में राम उत्सव धूमधाम से मनाया गया। जिला प्रशासन की ओर से कलेक्ट्रेट परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की पूजा व आरती की। पुलिस लाइन के मंदिर में पुलिस अधीक्षक के गोस्वामी ने हवन पूजन किया। पूरे दिन जगह जगह भंडारे आयोजित किए गए, जगह जगह बधाई गीत होते रहे। श्रद्धा व आस्था के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अयोध्या में प्रतिस्थापित होने पर पूरा हरदोई झूमता रहा। श्री सिद्ध बलि हनुमान मंदिर में श्री रामचरित मानस पाठ का समापन हवन आरती व श्री राम नाम विजय मंत्र के साथ हुआ। मुख्य अतिथि सांसद जयप्रकाश, कीर्ति सिंह भाजपा, जिला अध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन मौजूद रहे। लगभग एक माह से चल रही शीतलहर ने भी 22 तारीख को अपना रुख बदलते हुए भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में सूर्य भगवान ने भी आकर बढ़कर रामलला को प्रणाम किया। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। Yeah.